हाल देख सकते हो रास्ते के, ये देखो पानी इतना भर गया है कि मैं कैसे चलूँ, कहाँ पे पैर रखूँ मैं। ये देखो ये हालत है, ये मेरे पूरे शूज़ भीग के। ये नगर पंचायत फिर बोलते हैं हमें ज़मीन दो और रास्ता बनाओ। ये हमारे रास्ते का हाल ही, इतना से रास्ता नहीं बना सकते हैं। ये देखो यहाँ ये 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 पता प्रॉब्लम कहाँ है? कोई एक इंसान ही अगर बोलता है ना, तो ये लोग भी यही बोलते हैं कि तुम्हें ही प्रॉब्लम क्यों है, बाकियों को क्यों नहीं? अब देखिए पड़ोस में हमारे भी तो देखा ना आपने, एक हमारे साथ में ही घर है, एक उसके साथ में, जो उसके साथ में घर है उनके तो सामने आपने देखा ना, जब मैं कैमरा लेके जा रही थी कितने सारे बैल बैठे हुए थे, गोबर ही गोबर, घर के ठीक सामने गोबर ही गोबर है, लेकिन फिर भी लोग रह रहे हैं, लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉब्लम किसे है? हमें। फिर बाद में ये बोला जाता है कि तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होती है, बाकी तो सारे रह रहे हैं जैसे ये रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। अब भाई अगर उनको नहीं होती, उनको गंद में रहने की आदत है, क्या सारे गंद में रहने लग जाए? जब तक हर एक नागरिक अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा, आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला होता है। एक अगर बंदा बोलता है तो उसको ये सिर्फ ये घोषित कर देते हैं कि ये जी हर जगह ही भाई बोलते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं कि दादागिरी करते हैं। रियली मैं आपको बात बताऊं, और उस फिर ऐसे इंसान का कोई काम नहीं किया जाता, यही है चक्कर। पर इस बार तो मैंने भी ठान लिया है, मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि डैडी जी का जो भी डैडी जी ने छोड़ा था ना कि भाई हाँ ये काम करना है, ये होना चाहिए, वो मतलब हर वो काम करने की हमने कोशिश की है। डैडी जी का सपना था कि ऊपर घर बने, हमने बनाया, और एक और ख्वाहिश रह गई है डैडी जी की, उसे भी हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। ये रास्ता इसके लिए इतने लड़े ना, वो इतने लड़े ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो ये बोलते थे कि देखो हमने इतने 40 साल की मैंने सर्विस दी, वो भी बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी अगर मैं मतलब कभी अगर मेरे को इमरजेंसी हो जाए तो एक व्हील चेयर तो एटलीस्ट मतलब इतना सा तो रास्ता होना चाहिए मेरे। क्यों भाई इतनी सर्विस दी ना, देश की सुरक्षा की, लेकिन देखिए जी 15 अगस्त के दिन तो सबको याद आता है, लेकिन ऐसे कोई नहीं सोचता किसी के बारे में। ये देखो एक छोटी सी वो है, चलिए एंड टाइम में तो वो घर पे थे ही नहीं, लेकिन अगर कहीं बाय चांस ऐसी भी इमरजेंसी होती तो उनके दिल पे क्या बीतती उस टाइम पे कि देखो हमने देश की रक्षा की, अपने प्राणों की बिल्कुल भी वो नहीं सोचा, नहीं कुछ भी, लेकिन हमें ही इतना ज़्यादा उसमें रहना पड़ रहा है आज की डेट में। तो मैं तो कल भगवान कसम पूरा पाँव इतने गीले, मैं पूरा कीचड़ 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 अंकल से लिया पानी, तब जा करके पाँव धुले, तब जाके फिर मैं बाइक पर बैठी, वो भी गंदा हो जाना था। तो समझिए मैंने कभी इस चीज़ के, आप भी देख रहे हो कितने 3-4 साल होने वाले हैं, लेकिन हमने कभी मतलब अपने जो इश्यूज हैं, क्यों क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोला ही जाता है कि भी हाँ भी ब्लॉगर्स तो अपना ही बताते हैं, अपना ही, वो तो आप प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, देखो ये है सिचुएशन, इस सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं डेली। लेकिन अब मैं भी इन सब चीज़ों को भी उठाऊंगी, अपनी तो उठाऊंगी ही, प्लस एरिया में जो इस तरह से फेस कर रहे हैं ना चीज़ें, उनके लिए भी। बट यही है कि प्रॉब्लम जब तक खुद बंदा नहीं करता ना, अपने लिए उठता ही नहीं है। अब देखिए अगर मैं अकेले, हम अकेले बोल रहे हैं ना, हम दोनों मियाँ बीवी अकेले बोलेंगे तो सब यही बोलेंगे कि हाँ ये दादागिरी कर रहे हैं, ये है वो है। अब ये जो दो इंसान है, साथ साथ का घर है प्लस साथ में घर है, उनके तो देखो आंगन में कितना गोबर ही गोबर पड़ा है यार, कुछ तो मतलब लिहाज रखो, बच्चे चल रहे हैं आपके, कितना हाइजीनिक हो रहा है, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा तो वो रखना चाहिए ना, इंसान है हम, इंसानों की तरह बिहेव करना चाहिए। जो जो बेचारा बोल नहीं सकता ना, उसका तो मानना, हम तो बोल सकते हैं, हम तो अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर भी बोलेंगे कि आप खुद से ही बना लीजिए, जो डंगे दिए ना हमने खुद से ही दिए, नहीं तो आज तक तो मतलब अच्छा तो रास्ता क्या ही बनाना, उल्टा गड्ढा खोदते हैं ये लोग। रियली बात बता रही हूँ, देखिए कल से ना मतलब मेरा तो इतना, क्योंकि मैं तो जाती नहीं हूँ डेली सीरियसली मैं, क्योंकि मेरा काम घर से ही निपटता है ना, मैं तो जाती भी नहीं हूँ, मैं तो इनको बोल रही, डांट रही मैं इनको, मैं कि यार आप दिल्ली जाते हो फिर भी आपको इतना महसूस नहीं होता कि देखो बच्चों को लेकर के जाते हो। मैं तो आ जाई कितने दिनों के बाद, कभी क्योंकि बारिश हुई थी ना उसके बाद, ऐसे तो मतलब चलो ठीक होता है, सूखा होता है रास्ता तो चल जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो एकदम जब सूखी होती है तो भी ठीक चलने के लिए ठीक है, बट थोड़ा तो मतलब इन लोगों को भी सोचना चाहिए यार, यहाँ पे ही नहीं, अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो ना तो आगे कहाँ, बोल रहे हैं ना, मैं इसमें बता रही थी आपको ओवरवॉइस दे रही थी कि महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं, रियली बोलते हैं कि किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हमने दो दो जगह, सिर्फ रास्ता ही नहीं, वहाँ पे गाड़ियाँ जा सकती हैं, एक घर बना सकते थे हम लोग उधर, इतनी ज़मीन दी हुई है, तो हमारे भी तो दिल हैं यार, इनके पता नहीं कैसे दिल हैं, 2 मीटर के लिए इतना ज़्यादा अड़ंगा डाला हुआ है। अभी तो मैं खुद बात करूँगी जिनकी ज़मीन है ना, घर जा करके पूछूँगी कि हाँ
इतना सा तो हम बोल रहे हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट लैंड है आगे तक जो हमारे जो डंगे दिए हुए ना हमने। अगर ऐसा ही होता ना, जो ये बोल रहे हैं चेयरमैन बोल रहे हैं कि जमीन ला के दो, तो फिर वो जब डंगे दिए तब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया किसी ने? बस ये है इनको कि अपने पैसों से बनाओ, ये करो वो करो, तो फिर हम क्यों जब चुनाव आते हैं फिर क्यों हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हाँ जी हमें वोट दो, हम तो बिल्कुल स्वर्ग बना देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब हर जगह जब ये खुद खुद से, इसीलिए तो हम टैक्स क्यों भरते हैं फिर? अगर हमने खुद ही बनाने हैं रास्ते तो इनको चुनने की क्या जरूरत है? फिर तो हम खुद ही करें सारा कुछ। अजीब, मतलब सच में मेरी तो इतने कल से सर दर्द होगी देख के, पूरे कपड़े खराब, पूरा वो खराब। मतलब थोड़ा तो इंसानों की तरह रहो ना, बोलने को नगर परिषद है। चलिए देखते हैं आगे। अभी मैं मतलब अभी देखती हूँ, पहले चेयरमैन से बात करूँगी क्या बोलते हैं वो, फिर SDM से बात करूँगी, नहीं तो मैं DC मंडी तक जाऊँगी। देखिए अब अपने लिए खुद को हमें तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। इनको अगर गंद में रहने की आदत है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, इनको कैसे अपने साथ लेके जाएं? लेकिन हमें तो वही थोड़ा तो इंसान है, इंसानों की तरह ही रहना पड़ेगा। अब डेली ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये दिखाऊँ मैं कि भी हम ऐसे गंदगी में रह रहे हैं जहाँ जाने तक के लिए रास्ता नहीं है। हमारी नहीं है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे बोलेंगे कि भाई इतना बड़ा घर बना रहते हो तो रास्ता लिखा था पीछे जैसे किसी ने, तो अगर हमने खुद ही बनाना है भैया, तो हम क्यों वोट दे रहे हैं इनको? क्यों इनको चुनाव बिठा रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, MLA बन रहे हैं, चेयरमैन बन रहे हैं, ये किस लिए? पैसा हड़पने के लिए? जो गरीब हम कमाते हैं, अपने टैक्स भरते हैं, उसको खाने पीने के लिए? हमारे लिए ही तो इन्होंने जो हमारी मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उनको भी ये पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर किस लिए बैठना इन्होंने? नहीं बैठने की ज़रूरत है, ऐसा है। चलिए ज़्यादा हो गया भाषण। आप बोलोगे कि मैं गुस्सा भी करती हूँ, जी हाँ करती हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे जब मतलब इस तरह से कोई भी मैं ऐसा काम देखती हूँ जिसमें अन्याय हो रहा है, मुझे उसमें गुस्सा आता है। और मैं मतलब ठीक है आज तक नहीं बोली, क्योंकि पहली बात तो ये कि मैंने फेस नहीं की थी ये प्रॉब्लम। जब मैंने फेस की तो मैंने देखा, लेकिन हाँ फेस भी बहुत बार की है। लेकिन वही बात आ जाती है कि देखिए हम अकेले ही बोलते हैं ना, तो आसपास के एरिया के सभी हमारे पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं ये बहुत वो बोलते हैं, अभी बच्चे हैं इनको उस तरह से रहना चाहिए। भाई तो क्या पूरी उम्र भर हम फिर क्या भी दूसरों के सामने हाथ जोड़कर उसी तरह से खड़े रहेंगे? अपने लिए तो भाई लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो अब मैंने तो ठान लिया है जब तक रास्ता नहीं बनेगा, हाँ मैं अब आपको अच्छा रास्ते पर चल के ही दिखाऊंगी। तो ये है, बाकी आप भी मुझे बताना कि और कहाँ पे जाना चाहिए। देखिए मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ कि हाँ क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। बस फिलहाल मुझे ये पता है कि भाई चेयरमैन के पास जाना है, चेयरमैन से पूछूंगी वो क्या रिस्पॉन्स देंगे, और रिटर्न में दे देंगे कुछ भी ताकि आगे वाले अधिकारी को मैं वो चीज़ दिखा दूँ। तो फिर मैं SDM के पास जाऊँगी, फिर मैं DC मंडी, क्योंकि मुझे इतना सा ही नॉलेज है। बाकी अगर आपको कुछ भी नॉलेज हो कहाँ से ये काम करवाने चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम बहुत दिक्कत में है, सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये रास्ता। क्योंकि देखिए बनाने को हम खुद कितना घर बनाएंगे, थोड़ा तो हम जैसे मल थोड़ा सीमेंट वो बजरा वो बहुत बार हमने डाला वो निकल जाता है, पीछे से पहले उसको डंगे देने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपका हमारा एरिया जो है ये एक पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड बहुत होता है, और ये जो हमारा है ना इधर की तो मिट्टी ही ऐसी है। कल ही हमारे घर के नीचे बहुत बड़ा लाश आ गया, पेड़ पूरा नीचे को गिर गया। तो चलिए उतना तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो हमने अपने बोले क्योंकि घर बनाया तो हमने सेफ्टी बॉल्स भी खुद के बलबूते पे दी। कम से कम भी 8 से 10 लाख रुपया लगाया हमने सेफ्टी बॉल्स लगाने में ही, जबकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होनी चाहिए थी। DC मंडी ने सेंक्शन करवाए थे, हम डैडी ने DC मंडी से सेंक्शन करवाए थे ये डंगे, लेकिन पेपर्स आज भी हमारे पास हैं, बस वो वैसे के वैसे ही पेपर में ही बात होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं घपले होते हैं, क्योंकि सबके लिए तो सैंक्शन करवाई जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे सबके एक घर ही ऐसे ऐसे एरिया में है, तो सबके लिए सैंक्शन तो करवाई जाती है चीजें, लेकिन काम कुछ नहीं होता। ये है, तो आज मैंने आपके ब्लॉग के माध्यम से अपनी मतलब जो बहुत सच में मतलब थोड़ा टेंशन जैसी भी हो जाती है और मतलब बहुत दुख होता है, तो ये अपना थोड़ा सा दुख और अपनी टेंशन मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं वहाँ वहाँ हर एक अधिकारी के पास जाने के लिए रेडी हूँ। बाकी प्लस जो उन्होंने बोला कि भाई NOC लेकर के आइए, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी, और मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं सब आपके साथ भी शेयर कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि देखिए इससे भी एक मोटिवेशन मिलता है, अगर आपके एरिया में आप लोगों के साथ भी ये सब हो रहा है तो आपको भी फिर मैं पूरी जानकारी दूँगी, क्योंकि मैं हर एक स्टेप पर जाऊँगी। अब जैसे बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी बच जाता है,
तो उस टाइम पे मैं ये काम करूँगी। अभी आज तो है सैटरडे, सॉरी आज है फ्राइडे, कल शायद सैटरडे है, तो मंडे से मैं ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगी। तो ऐसा है, प्लीज़ आप भी सहयोग देना थोड़ा सा, मतलब बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। मैं भी क्योंकि वही बात है कि घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, बस यहाँ यूट्यूब और आप तक ही सीमित हूँ। तो मैं क्या, चलो आप बोलते हो, एक कमेंट आया था कि बोला ओवरवॉइस दे देती हूँ, तो जो जैसी सिचुएशन होती है ना, एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना देती हूँ। हाँ, वीडियो लेकर, क्योंकि कई बार बहुत शोर होता है, कुछ होता है कुछ होता है, तो उसी हिसाब से फिर मैं ओवरवॉइस देती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं बोलती नहीं हूँ। बहुत बार तो आप देखते ही हो, हर जगह जहाँ बोलने लायक चीज़ होती है मैं वहाँ बोलती हूँ, जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर ओवर वॉइस चलती है, वो भी मेरी ही होती है, मैं ही हूँ और नहीं है कोई भैया। तो चलिए ठीक है, फिर ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, पर मैं इसे आज एज इट इज़ ऐसे ही डाल देने वाली हूँ, क्योंकि भाई जो मैंने फेस किया, ताकि मैं आपको भी बता सकूँ कि देखिए हम इतने सालों से, मैं आपको अखबार की कटिंग भी बताऊँगी अगर मेरे पास मिलती है ना, तो मैं साइड में लगा दूँगी। 30 साल 25 साल पहले की बात है, जो डैडी ने मतलब न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ निकलवाई कि देखिए मैं ऐसे ऐसे फौजी हूँ, मेरा घर ऐसे है और मुझे बहुत दिक्कत है, एक रास्ता तक ढंग से नहीं है इधर हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो आप बिलीव नहीं करो कि गांव में आप जाइएगा, रास्ते के नाम पे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें सबके घरों तक है, गवर्नमेंट ने खेत बनवाए मनरेगा स्कीम के तहत, लेकिन यहाँ पे शहरी एरिया होने के बावजूद हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। टैक्स के लिए आ जाते हैं, हाउस टैक्स लिया जाता है, रोड टैक्स देते हैं, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स, बाकी जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स तो होता ही है। फिर कल परसों आगे 30 रुपये की पर्ची लेकर काटनी है, भला सैनिटाइजेशन का काम चला हुआ है उसके लिए, सैनिटाइजेशन किस चीज़ की सैनिटाइजेशन, वो जो उनके रोड से कचरा ले जाने वाले होते हैं ना, बोलते हैं कि रोड पर लेकर के आइए, आपका जो रास्ता है ना वो बहुत गंदा है। देखिए उनको, वो लोग वहाँ तक हमारे यहाँ तक हम पैसे भी दें, कचरा भी दें, प्लस वो हमें बोल रहे हैं कि वहाँ पे आइए और रोड आपका, रास्ता आपका बहुत गंदा है, वैसे रास्ते तक हम आ नहीं पाएंगे। सोचिए वो लोग नहीं आ सकते, हम कैसे जाते होंगे, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें कभी कहीं पर भी जाना होता है तो हमें कितनी दिक्कत होती है, ये है प्रॉब्लम। तो ऐसा ऐसा है, बाकी बस फिर बोलते बोलते बहुत बोल गया और 12 मिनट का वीडियो बन गया। ओहो।